पिछले एक वर्ष में सोलन पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक सख्त मुहिम चलाई गई है। इसमें टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पर काम किया गया है, एक सप्लाई रिडक्शन है, एक डिमांड रिडक्शन। चिट्टा और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति को रोकने के लिए सप्लाई रिडक्शन की स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो जितने बड़े बड़े स्मगलर्स थे, ड्रग ट्रैफिकर, पेडलर्स थे, उन सभी को अरेस्ट किया गया। ये लोग बाहरी राज्यों के थे और इन ये करीबन अभी तक सोलन पुलिस द्वारा 125 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें 277 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और इनमें से 94 अक्यूज जो हैं वो बाहरी राज्यों से थे जो गिरफ्तार किए गए, जो बड़े बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल थे। इनमें 8 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल थे और इनमें 15 नेटवर्क ऐसे थे जो बहुत बड़े स्तर पर कार्यकर थे, जिनमें से जैसे एक नेटवर्क जो अटारी बॉर्डर से कनेक्टेड था और सोलन पुलिस की टीम ने अटारी जाकर वहां से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार से हरियाणा के कैथल से चलने वाला एक नेटवर्क था जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और जिसमें से 4 आरोपी वो बाहरी राज्यों के, हरियाणा के, और उसमें से एक अफ्रीकी नागरिक जो है वो दिल्ली में रहता था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चलने वाला एक नेटवर्क जिसको तोड़ा गया, उसमें 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए, उसमें 6 आरोपी जो है वो बाहरी राज्यों के थे, उत्तर प्रदेश से थे, दिल्ली से थे। तो इन सभी नेटवर्क्स में जितने भी बायर्स थे, सेलर थे और स्मगलर या इनके फाइनेंशियल मैनेजर या मिडिलमैन, इन सभी को गिरफ्तार करके इन नेटवर्क्स को ख़त्म किया गया। इसी प्रकार से पंजाब का लुधियाना वाला नेटवर्क था जिसमें 7 आरोपी जो है लुधियाना से गिरफ्तार किए गए थे। सो इन नेटवर्क्स के ख़त्म होने से युवाओं में चिट्टे की आपूर्ति काफ़ी कम हुई। इन सभी 15 नेटवर्क्स में जो पुलिस जांच में आया है उसमें 1200 से ज़्यादा युवा ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो इन नेटवर्क्स के जो ड्रग स्मगलर्स हैं जो बाहरी राज्यों के हैं उनके साथ कनेक्टेड पाए गए। इसके बाद उनको ऊपर सर्वलांस किया गया और अभी ये युवा किसी भी प्रकार की ड्रग ट्रैफिकिंग एक्टिविटी में शामिल नहीं है। सो नेटवर्क्स के ब्रेक होने से चिट्टा और अन्य सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई में भारी कमी हुई। इसके अलावा डिमांड रिडक्शन की स्ट्रेटजी पर काम करते हुए सोलन पुलिस ने अलग अलग टीमें युवाओं की और जो समाज के अन्य स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बनाई और इनमें रुस्तम योजना को भी चलाया, जिसमें स्कूल कॉलेजेस में जाके, पब्लिक प्लेसेस में जाके लोगों को, युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक भी किया और उनकी साझेदारी भी सुनिश्चित की कि वो पॉजिटिव जो कार्यक्रम है या पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें जा सके। और इस कार्यक्रम को करने में सोलन पुलिस को स्थानीय युवाओं का काफी सहयोग मिला है और ये मुहिम जो है वो आगे भी चलती रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।